जी नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे जो ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय हमारे झारखंड स्टेट के जितने भी हैं, कई सालों से 2006 से, कोई 2009 से, कोई 2012 से जो कार्यरत है, सेवा कर रही है अपने ट्रांस कम्युनिटी के लिए और काफ़ी अधिकार के लिए भी लड़ाई की है, बहुत सारा अधिकार प्राप्त भी हुआ है। उसी आशा में हम लोग इस झालसा के ऑफिस में आना पड़ा आज रांची में, बहुत मजबूरन कि हमारा जो बहुत सारा अधिकार से हमें वंचित किया जा रहा है, हनन हो रहा है, खास विशेष करके हमारे झारखंड स्टेट में किन्नर समुदाय के लोगों के साथ। तो उसी को लिए हम लोग यहाँ आवेदन दिए और यहाँ के सदस्य और सर भी बोले कि हम लोग को आश्वासन दिए कि आप लोग आवेदन दीजिए, आप लोग का भी विचार विमर्श करेंगे। और हमारा कम्युनिटी का जो भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था जो अलग अलग ज़िलों में है, उन सब ज़िलों को छोटा बड़ा हर एक प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए, प्रोजेक्ट दिया जाए, ताकि हम अपने समुदाय के लिए सर्वांगीण विकास कार्य कर पाएंगे और अपना संस्था और अपने आप को भी हम लोग सक्षम कर पाएंगे समाज में रहकर, समाज का सेवा करते हुए। साथ ही हमारे स्थानीय जितने भी किन्नर समुदाय के लोग हैं, उन लोगों को भी हमारे झारखंड में मतलब जगह मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। और बाहर से चाहे हमारे झारखंड से जो भी पदाधिकारी है, चाहे हमारे कम्युनिटी के भी कोई भी पदाधिकारी हो, है ना, वो भी हमारे बारे में सोचे, हम लोगों से संपर्क करें और हमें आगे बढ़ाने का कोशिश करें। हमारा यही आशा है, हमारा आशा है कि जिस तरह समाज का विकास हो रहा है तो उस तरह से हमारा समाज का भी विकास हो। और उस विकास कार्य में जो हम लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को जोड़े, ताकि हम लोग दूर दराज देहात तक, शहरों तक हम लोग किन्नर समुदाय के लोगों तक पहुंच सके और उन लोगों को वो सेवा से, सरकारी सुविधाएं या गैर सरकारी सुविधाओं से हम लोग उनको जोड़ सके, या स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से हो, या फिर कोई भी अधिकार हो कानून संबंधी। देखिए, हमने तो अपनी मांग को रख दिया है, अब तो अधिकारी का काम है उसे सुनना, क्योंकि पिछले दिनों भी उन्होंने सुनकर, जो बाहर से आए थे हमारे अमृता स्वयं जी, उनको रखा गया। तो हमारी मांग है कि जो यहाँ के स्थानीय ट्रांसजेंडर है, जो शुरू से संघर्ष कर रहे हैं, उनको मौका दिया जाए, क्योंकि यहाँ के अगर बच्चे बढ़ेंगे तो हमारे अधिकारों के लिए काम करेंगे और हमें आगे बढ़ाएंगे। तो सरकार हमारे लिए भी ध्यान दे, अगर कोविड आम जनता के लिए तो हमारे लिए भी है, तो हमारी तो कोई सुविधा है नहीं, ना ही हमारे लिए कोई सामुदायिक भवन है, ना ही हमारे लिए कहीं अस्पताल में कोई जगह दी गई है, ना ही हमारी अलग से बेड। आप कलकत्ता में जाइए, ट्रांसजेंडर के अलग से आपके लिए 2 बेड रखे हुए हैं, आश्रय गृह बने हुए जहाँ ट्रांसजेंडर को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? सरकार को पहले सोचना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार हमें 2014 में ही दे दिया था, लेकिन झारखंड सरकार तब से सोई हुई है और आज तक सोई है। जैसे कि अभी हमारी बहन अमरजीत जी ने बोला कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें नागरिकता दी, आरक्षण मिली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब हमें आरक्षण दी, पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार हमारा अभी तक वो हमें सुविधा नहीं मिली है, हमें उन चीज़ से वंचित रखा गया है। क्यों? क्योंकि हमारा सरकार सही नहीं है, कमज़ोर है, हम पर ध्यान नहीं देती है, वो सिर्फ अपने ही पॉलिटिक्स, अपने ही इलेक्शन, अपने ही अपने निजी कामों में ही फोकस करते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हमें भी जॉब मिले, हमें भी आत्मसम्मान मिले, हमें भी अपना अधिकार मिले, हमें भी अपनी इज्जत प्यारी है, क्योंकि हमें जो आत्मसम्मान, जो हम लोग के अंदर भी जो इज्जत है ना, हम भी चाहते हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, पर इस चीज़ से हम अपने अभी वंचित हैं, हमें वो अधिकार नहीं मिला है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।